अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। परवरदिगार का, कल मेरी बहुत तबीयत खराब थी जिसकी वजह से ना मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, क्योंकि कुछ तबीयत मेरी सेट हुई है। गला भी देखें कितना ख़राब हो रहा था, इस वजह से आवाज़ नहीं निकल रही थी मेरी। यहाँ भी अंडा बन गया है और यहाँ बन रही है मेरी चाय एवरीडे की, इस वजह से आप लोगों को पता ही है मैं एवरीडे की चाय पसंद करती हूँ। चले जी, यहाँ पर जो है चाय हो गई थी यार गर्मा गर्म, और अभी जो है इसको नया कप आया मेरे लिए ये किसने दिया है ये बताऊँगी आपको, मेरी फ्रेंड है उसने मुझे कप दिया है। तो अभी मैं चलिए, अभी किचन गंदा हो रहा है, ठीक है, मेरा अभी सफाई नहीं हो रही है, ये देखें पूरा किचन जो ना मेरा ना उल्टा हो रहा है। चले जी, चाय हो गई है, नाश्ता लेके चलते हैं रूम में, नाश्ता करते हैं। आवाज़ देखिए कैसी भारी भारी हो रही है ना, इसलिए कि जुकाम इतना गंदा एकदम से, मतलब मौसम चेंज हुआ है ना इस वजह से। अब अच्छा लग रहा है ना, ब्लैक कलर का इसने दिया था जो प्यार करता है ना। मैंने कहा तूने क्यों दिया मुझे, कह रही जब तक सुबह तू चाय पिया करेगी ना तो कह रही तेरा मूड ठीक हो जाएगा। मैंने कहा सही, उसको पता है मैं ब्लैक पसंद करती हूँ कलर, मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। चले जी, इसमें थोड़ी सी मैं क्या डालूँगी, इसमें थोड़ा सा नमक, अंडे में ना नमक नहीं है। चले नाश्ता करते हैं, आप बताइएगा नाश्ते में आपको क्या पसंद है। मैं आजकल अंडा खा रही हूँ, फिर अंडा और फिर खाना क्या बनाएंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जल्दी जल्दी सुबह के टाइम पे गई और जाके लेकर आई हूँ आलू और पालक, और साथ एक वो भी चिकन थी ख़त्म हो गई थी ना तो लेकर आ गई थी, वो भी मैं लेकर आ गई हूँ। तो अभी मैंने जो ना प्रॉपर चिकन दे दी है, खा ली है, और अभी जो चिकन जो पड़ी है ना वो फ्रिज में रख दी है इसकी, ये ले रखी है। इतनी सारी चिकन मैं क्यों लेकर आ गई, इसलिए कि बार बार नीचे उतरना चढ़ना तो बड़ा मसला होता है, इसलिए चले ना रोटी ले लेते हैं और नाश्ता करते हैं। रोटी कहाँ रखती है बच्चों ने, ये रखती है मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ख़राब ना हो। चलिए जी, नाश्ता करते हैं, ठीक है। चलिए मैं नाश्ता कर लूँ, आ जाए जिसने भी नाश्ता करना है मेरे साथ, ठीक है जी। कमर्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, पंखा मैंने इसलिए बंद कर दिया कि मैं नाश्ता कर रही हूँ, ठंडी चाय मुझे अच्छी नहीं लगती, ठीक है। चले जी, नाश्ता कर लेते हैं, ये देखिए नाश्ता। अभी देखो टेबल भी बहुत ना ख़राब हो रही है हमारी ना, नाश्ता तो कर लिया, अब खाने का टाइम है तो खाना पका रही हूँ। और खाने में क्या है जी, आलू और पालक, आज ये सब्ज़ी बन रही है और साथ में कुछ मसाले हैं, ये देखें टमाटर, हरी मिर्च कह, हल्दी है और कुटी हुई मिर्ची इसमें ऐड की है, और अभी दो चम्मच में ऑयल ऐड करूँगी। मेरी आवाज़ बहुत भारी भारी हो रही है इसलिए ये दो दिन से नहीं चार दिन से, बल्कि तबीयत मेरी बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत तबीयत। और आज ये दो दिन से बच्चे ही खाना पका रहे थे, मैं नहीं पका रही थी, व्लॉग भी नहीं बना रही थी अपना, जिसके लिए जी माजरत, क्योंकि ना कल भी मेरा व्लॉग नहीं आया था और परसों की वीडियो मैंने डाल दी थी लेकिन कल नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया था। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और दिमाग बिल्कुल जो ना सुन हुआ था मेरा, अभी भी आवाज़ देख सकते हैं आपकी आवाज़ कैसी हो रही है मेरी। अभी लाइबा जो है वो झाड़ू लगा रही है, वो सफाइयाँ कर रही है, और मैंने थोड़ा सा आराम दे दिया, दो दिन मैं थोड़ा सोती रही हूँ बस और आराम किया घर पे, और काम ऐसे मेरे सुन हुए हैं, दिमाग ना सुन हुआ है बहुत। और नाइट से ब्राउन करेंगे प्याज को और फिर मसाला वगैरह भून के खाना तैयार करेंगे, ठीक है। फिर रखा हुआ सारा कार्ड में रख दिया था, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो यहाँ बन रहे हैं जी आलू और पालक, प्याज में ब्राउन कर रही हूँ और सारे मसाले वगैरह ऐड करके इसमें बनाएंगे। ये मसाला मसाला है और ये है आलू और पालक जो अभी मैं बनाने लगी हूँ, और अभी प्याज जो है वो ब्राउन हो रहे हैं और
आवाज़ मेरी बहुत ख़राब हो रही है इस वजह से कि दो तीन दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, खाना नहीं पका मेरे घर पे, तो बच्चों ने बनाया था, मतलब कि मैंने नहीं बनाया था, ठीक है ना। तो अभी ब्राउन करूँगी प्याज को, मसाले वगैरह ऐड करके, और फिर आलू पालक बन जाएगा। आवाज़ देखो ऐसी भारी भारी हो रही है, मर्दों वाली आवाज़ लग रही है समय जो ना बहुत भारीपन है और जुकाम नसला बहुत हुआ है। चले जी यहाँ पर ब्राउन हो रही है प्याज, तो लाइट से ब्राउन हो चुके हैं प्याज, ये सारे मसाले इस पर ऐड करेंगे। ये सारे पालक और आलू मसाले को मैंने भून लिया था, तो यहाँ पर जी मसाला मैंने भून लिया है सारा। और अब जो है टमाटर भी जो है ना गल चुके हैं, ज़्यादा तेज़ उसे बोला नहीं जा रहा क्योंकि आवाज़ और गला वो साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा भारी हो रही है आवाज़, क्या कर सकता था। तो बड़ी मुश्किलों से मैंने अपना व्लॉग बनाया, यकीन करेंगे आप, दिल नहीं कर रहा था बिल्कुल भी ना, बस दिल करता है कि बस बिस्तर पर लेटी रहूँ, बस ये होता है, बस नींद नींद सी आ रही होती है, लेकिन दवाइयाँ खा रही हूँ ना तो नींद आती है उससे ना, क्योंकि वो नींद की जो खांसी की जो दवाई है वो मैं खाई ना मैंने, तो उससे उसमें भी नींद होती है ना, तो इस वजह से। चले जी खाना हो गया हमारा तैयार, और बस मैं दम पे रख रही हूँ दो तीन मिनट के लिए, आलू भी गल चुके हैं और मसाला भी सारा ये पालक वगैरह भी सब पक चुके हैं, ठीक है, बल्कि आज पे इसको देती हूँ मैं भी, ठीक है जी। तो चलें जी अब खाना हमारा हो गया तैयार, और लंच पे हम यही खाएंगे, और अभी रोटियाँ जो है ना बाज़ार से आएंगी, ठीक है, घर पे नहीं बना रही क्योंकि हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी मेरे अंदर। तो मेरी वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। जो नए हैं चैनल पे उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब लाजमी क्या करें, और अच्छा सा सोना सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, ठीक है जी। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा जल्दी सही हो जाऊँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।